चलिए खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के राहुत में सीएम रमन सिंह ने रैली की, दीपक ताराचंद साहू के लिए वोट उन्होंने मांगे हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम रमन सिंह कांग्रेस पर भी जमकर उन्होंने हमला किया। कांग्रेस के पास ना रीति है ना नीति है, ये रमन सिंह ने कहा है। कांग्रेस की नीयत में खोट है, घोटाला है, ये उन्होंने कहा है, और खोट भी है साथ में, ये भी कहा है। तो साफ साफ रमन सिंह का यहाँ पर कांग्रेस पर हमला, दीपक ताराचंद साहू के लिए वोट मांगते हुए जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर रमन सिंह ने निशाना साधा। कांग्रेस के पास ना रीति है ना नीति है, ये रमन सिंह ने कहा है, और कांग्रेस की नीयत में खोट है। आपको बता दें कि इस तरीके से छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, उसको लेकर सीएम रमन सिंह ने निशाना कांग्रेस पर साधा है और ये कहा है कि कांग्रेस की नीयत में ही खोट है। तो छत्तीसगढ़ के राहुत में रैली को संबोधित रमन सिंह कर रहे थे, जिस दौरान दीपक ताराचंद साहू के लिए वो जनता से वोट भी मांग रहे थे। बीजेपी की जो उपलब्धियां हैं वो बता रहे थे, उनकी सरकार ने क्या कुछ जनता के लिए क्या है, किस तरीके से विकास किया है, ये भी कहा। जनता को साधने की पूरी कोशिश रमन सिंह की रही, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस को अड़े हाथों भी लिया, ये कहा कि कांग्रेस की नीयत में ही खोट है, तंज कसा है कांग्रेस पर रमन सिंह ने, और कहा है कि ना पास रीति है ना रीति है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के राहुत में सीएम रमन सिंह ने रैली की, एक तरफ जनता को साधने की कोशिश की तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सुरेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सुरेंद्र, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से जनता को साधने की यहाँ पर छत्तीसगढ़ के राहुत में जब रैली कर रहे थे, एक तरफ जनता को साधने की पूरी कोशिश रही और दूसरी तरफ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, ये तक कह दिया कि कांग्रेस की नीयत में खोट है। जी विरोध है मैडम, एक्चुअल क्या है, यहाँ पे तीनों सरकार कांग्रेस की थी, यहाँ पे भाजपा बागो जिले में जो तीन विधानसभा है यहाँ पे, जहाँ तीनों विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों का यानी दबदबा था, जहाँ आज यानी गुंडरदेही एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ दीपक ताराचंद साहू जिसके लिए आज भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो सीएम रमन सिंह उनका कैंपेनिंग कर रहे हैं, चुनावी प्रचार, जिसमें कांग्रेस को यानी सीधा निशाना साधा है उन्होंने। जी सुरेंद्र, और क्या कुछ उन्होंने कहा? जी उन्होंने कहा कि अभी चार चुनाव के चार दिन पहले ही यानी चावल वितरण का घोषणा कर किया है, जिससे उनको लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह 1 रुपए में चावल वितरण कर चुनाव जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ का सरकार बना रही है, उसको चलते हुए कांग्रेस यानी 4 दिन पहले ही 1 रुपए में चावल वितरण करने की घोषणा कर जनता को अपने तरफ उड़ाने का प्रयास करने का यानी एक ड्रोम कर रही है। सुरेंद्र, किस तरीके की भीड़ देखने के लिए मिली रैली में? तमाम जानकारी देने के लिए सुरेंद्र आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पर निशाना यहां पर रमन सिंह ने साधा। छत्तीसगढ़ बीजापुर जिला मुख्यालय में स्थित सीआरपीएफ 168 बटालियन के जवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जवान ने किस वजह से ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुआ, इस बात का खुलासा अभी होना बाकी है। खुदकुशी करने वाला सुजीत चंद्र राय हेडक्वार्टर में तैनात था, तो एक और जवान ने आत्महत्या यहाँ पर की है। खुलासा भी नहीं हुआ है कि किन कारणों की वजह से ये आत्महत्या की गई है। मामले की जांच में अधिकारी जुट चुके हैं, पूरे मामले को खंगाला जा रहा है कि आखिर क्या वजह रही, क्यों सुरेंद्र ने आत्महत्या की। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजय पचौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, अब एक और जवान ने आत्महत्या की है, आखिर क्या मामला है, क्या खुलासा अभी तक हुआ है पूरे मामले में? देखिए, कोई पहला मामला नहीं है कि जब बस्तर में सुरक्षा बलों के द्वारा इस तरह से आत्महत्या करना, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि कई दफे सुरक्षा बलों के द्वारा खुद की जान ले ली जाती है, और एक बार फिर आज जिस तरह से सीआरपीएफ के 168वीं बटालियन के सुरजीत चंद्र राय ने फांसी लगाकर आत्महत्या किया है, प्रथम दृष्टिया तो इसे पारिवारिक कलह माना जा रहा है, क्योंकि कल तक उनके जो साथी हैं बता रहे थे काफी खुशमिजाज थे, और आज सुबह भी जब वे उठे थे तब भी उन्होंने अपने साथियों से बातचीत की थी, तब तक ये नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा कदम उठा लेंगे, लेकिन चंद घंटों के बाद ही
जब उनके साथियों ने देखा कि बैरक में उन्होंने आत्महत्या कर लिया है, फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है, तो सब स्तब्ध रह गए थे। और अभी भी हालांकि इस पर से पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है, उस बैरक को भी सील कर दिया गया है, वहां पे भी जांच की जा रही है कि क्या कोई सुसाइड नोट इस जवान के द्वारा लिखा गया हो। उनके घर पर संपर्क किया गया है, उनके क्या कोई सुसाइड नोट मिला है? देखिए अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ है, और यही वजह है कि अब तक इस पूरे मामले पर से पर्दा नहीं उठ पा रहा है कि आखिर वजह क्या थी उनकी आत्महत्या करने की। क्योंकि बस्तर में तैनात जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो काफी मानसिक दबाव में भी होते हैं, कई कई महीनों तक वे अपने घर से संपर्क नहीं कर पाते, अंदरूनी इलाकों में तैनात रहते हैं, तो इसका भी एक दबाव उन पर रहता है। साथ ही साथ कई बार उनके घरेलू कलह भी वजह के रूप में सामने आते हैं। तो जब तक इस पूरे मामले पर पूरी जांच नहीं हो जाती, यह कह पाना काफी कठिन है कि वजह क्या थी जवान की। लेकिन एक जवान ने आज एक बार फिर अपनी जिंदगी से हार कर अपनी आत्महत्या की है। जी विजय, क्या परिजनों का किसी तरीके का कोई बयान सामने आया? उन्होंने कोई बात अभी तक कही पूरे मामले में? देखिए अब तक उनके परिजन पहुंचे नहीं हैं यहाँ पर, और जैसे ही वे आ जाएंगे उसके बाद ही इस पर से पूरा पर्दा उठेगा। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस पर ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, उन्होंने भी इस बात को यही कहा कि अब तक उनके परिजन ने कोई भी बयान नहीं दिया है। जब उनके परिजन बीजापुर पहुंच जाएंगे उसके बाद ही पूरे मामले पर से कुछ खुलासा हो सकता है। हो सकता है कि इस पर अधिकारियों का एक दबाव रहा हो, ये भी एक वजह हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी विजय, बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियां अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार रही है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनावी बिगुल फूंकने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी के लिए पीएम ने प्रचार की कमान संभाली और कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला भी बोला। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाली, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने अंबिकापुर की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब यहां आया था तो यहां के लोगों ने लाल किला बनाया था। उस रैली से दिल्ली वालों की नींद हराम हो गई थी। जिन्होंने अंबिकापुर को बदनाम किया है उन्हें चुन चुन कर इस बार जवाब देने का मौका। जिन्होंने अंबिकापुर के छोटे छोटे लोगों को लाल किला का प्रतिकृति बनाने मात्र से उनको नोच लिए था, उनके खिलाफ अनाप शनाप बातें कही थी, मेरे अंबिकापुर के लोग ऐसे लोगों को सजा देने का ये मौका आया है कि नहीं आया है? इस दौरान मोदी ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का इतिहास बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तो दिग्विजय सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय सिंह जिस काम के लिए छत्तीसगढ़ आए थे उसके बारे में मैं बोल नहीं सकता, वो तो लोगों को पता है। उस समय वहां दिग्विजय सिंह राज करते थे, दिग्गी राजा, और वो छत्तीसगढ़ किस काम के लिए आते थे उसको तो बोलना मुझे शोभा नहीं देता है। उनके लिए ये बस्तर आना, छत्तीसगढ़ के इलाके में आना, वो तो पता नहीं किस किस कामों के लिए आते थे, वो तो यहाँ की जनता भली भांति जानती है। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कांग्रेस की तुलना बाबा से कर दी। आपने देखा होगा टीवी पर वो एक बाबा आता है, है? वो कहता है आप पकौड़े खाए थे, अच्छा पकौड़े खाओ आपका हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना कुछ, आपका भला हो जाएगा। ये ऐसे ही बाबा लोग बन गए कांग्रेस वाले। कृपा हो जाएगी कृपा। इस दौरान मोदी ने शशि थरूर के चाय वाले बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले अभी भी आंसू बहाते हैं कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। दिमाग में बैठता ही नहीं है कि गरीब माँ का बेटा, उनकी उनको अंग्रेजों ने जो विरासत में दी थी उस राजगद्दी पर बैठ कैसे गया। जब तक आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र को नहीं समझोगे आप ये चाय वाले को दिन रात गाली देते रहोगे। हिंदुस्तान का लोकतंत्र हिंदुस्तान की आवाम में है।
बता दें कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सभी पार्टियों के दिग्गजों ने अपने सभी बड़े और चर्चित चेहरों को उतारा है, जिससे मतदान से कुछ दिन पहले जनता को लुभाया जा सके। लेकिन पार्टी की इस रणनीति का जनता पर कितना असर होगा, ये आने वाले 11 दिसंबर को पता चल पाएगा। तब तक कयासों और दावों का दौर चलता ही रहेगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरीके से अंबिकापुर में पीएम मोदी ने रैली की और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, ये कहा, जिस तरीके से श्री थरूर का बयान था, ये तक कह दिया कि अगर ऐसा ही है तो क्यों नहीं कांग्रेस अपने अध्यक्ष को किसी बाहरी को ये कमान सौंप देती है? देखिए, चुनावी वक्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सियासी हमला कर रहे हैं। आज रैली में जिस तरीके से उन्होंने एक बार फिर चाय वाले बयान को सियासी हथियार बनाया है, तो प्रधानमंत्री के तेवर साफ बयान करते हैं कि वो किस दिशा में इस चुनाव को ले जाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और लगातार वो चाय वाले बयान का जिक्र करते हैं। आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी, जब वो पीएम कैंडिडेट के तौर पर चुनाव मैदान में थे, तब मनीष शंकर अय्यर ने चाय वाला एक बयान दिया था, उसको अपने सियासी हथियार में तब्दील किया था प्रधानमंत्री ने, और ये कहा गया था कि एक बड़ा यहाँ पर सियासी हथियार बनाने में वो कामयाब रहे थे। अब एक बार फिर वो उसी तर्ज पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही एक बयान आया था जो कि शशि थरूर की ओर से था, और उन्होंने कहा था कि नेहरू की वजह से एक चाय वाला देश का पीएम है। प्रधानमंत्री ने अंबिकापुर रैली में उसी बयान को टारगेट किया है, हमला किया है, और ये कहते हुए हमला किया है कि कांग्रेस को चुनौती देते हैं कि अगर नेहरू की वजह से देश में आज चाय वाला पीएम है, तो वो कांग्रेस पार्टी में किसी गांधी परिवार के बाहरी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाकर दिखाएं। तो सीधे तौर पर चुनौती कांग्रेस को पेश की है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की शहडोल रैली में भी अपना हमला जारी रखा है। तो ये जरूर है कि चुनावी वक्त में अपने तेवर प्रधानमंत्री भरपूर दिखा रहे हैं। कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि चुनावी वक्त है, और ऐसे में प्रधानमंत्री यहाँ पर जिस तरीके से अपने कामकाज के बजाय वो ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि अपने मुद्दों से बच सकें, गुमराह कर सकें, और इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि उनको कांग्रेस का इतिहास पढ़ना चाहिए। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि चाय वालों का अपमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाय वालों को क्या कम करके देख रहे हैं। तो ये पलटवार कांग्रेस कर रही है। प्रदीप, जिस तरीके से पीएम मोदी ने ये भी कहा कि 60 सालों तक कांग्रेस ने देश को लूटा है, और इसी के साथ साथ ये तक कांग्रेस की तुलना निर्मल बाबा से तक कर डाली, आखिर क्या कहना चाह रहे थे पीएम मोदी? देखिए, प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषण के लिए जाने जाते हैं, और जिस अंदाज में बोलते हैं वो कनेक्ट करते हैं, और यही उनकी भाषण की सबसे बड़ी कामयाबी भी कही जाती है। हालांकि कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि वो अपने भाषण में झूठ का सहारा लेते हैं, कई मौके पर ये सोशल मीडिया में भी चर्चा का विषय बनते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री चुनावी रैली में जिस अंदाज में बरसते हैं, उसी अंदाज में आज उन्होंने तेवर दिखाए हैं, और ये जरूर है कि वो जिस अंदाज में हमला कर रहे हैं सियासी तौर पर कांग्रेस को बैकफुट पर लाने के लिए, चाय वाले बयान को एक बार फिर वो सियासी हथियार बना रहे हैं, और इसीलिए शशि थरूर के बहाने जो नेहरू को लेकर तुलना की गई थी, उसके बाद वो हमलावर है, सवाल पूछ रहे हैं, तो कांग्रेस भी जवाब दे रही है। दूसरी तरफ देखें आप इस पूरे मामले को, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, लिहाजा एक रणनीति के तौर पर प्रधानमंत्री नए सिरे से हमलावर हैं और सवाल उठा रहे हैं, और इसके जरिए कांग्रेस को बैकफुट पर लाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर तमाम सवाल हैं, और ये जनता को समझना है कि वो इसको चुनावी रैली के तौर पर दिए भाषण के तौर पर लेती है या प्रभावित होती है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने भाषण और अपने अंदाज से एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सभी पार्टियों के लिए बनी बलाईगढ़ विधानसभा बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसके मद्देनजर बलौदाबाजार की बलाईगढ़ विधानसभा के सभी राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवार मतदाताओं से जनसंपर्क कर अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, घोषणा पत्र के जरिए मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे व अपील भी कर रहे हैं। इसी तरीके से आज बलाईगढ़ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी श्री चंद्रदेव राय नगर पंचायत भटगांव में अपनी शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया। चंद्रदेव राय अपने समर्थकों के साथ पूरा नगर के हर एक गली मोहल्ले में भ्रमण कर लोगों से वोटों की अपील भी करते नजर आए। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब दिग्गज जुट चुके हैं। प्रचार के लिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। तो जिस तरीके से
चुनाव होना है, घर घर जाकर कार्यकर्ता जनता से वोट मांग रहे, अपील कर रहे हैं कि आप हमें वोट दें। और इसी के चलते दूसरे चरण के लिए जो दिग्गज हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। ये भटगांव नगर पंचायत से होते हुए पूरे क्षेत्र में आज जन संपर्क किया जा रहा है और माताओं और बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, भाइयों का और मेरे क्षेत्र के मेरे चाहने वाले, मेरे आदरणीय, मेरे शुभचिंतक और मेरे सभी आदरणीयों का इतना अपार सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं तो अपने दादा से, अपने पिता तुल्य से, अपने चाचा से, अपने मामा से, अपने बहनों से, अपने माता से, सभी से आशीर्वाद ले रहा हूँ। आज मुझे ऐसा लगा कि नगर पंचायत भटगांव में मेरे अपने लोग अपना बेटा को, अपना भाई को, अपना भतीजा को और अपने भाई बंधु को पाकर पूरा गदगद हो गए हैं। और इस बार तो पूरे क्षेत्र लोग ठान चुके हैं कि अपना क्षेत्र का स्थानीय बेटा, अपना क्षेत्र का माटी पुत्र इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, विधायक बन के आ, और क्षेत्र में जो किसान सदियों से पीड़ित रहे हैं, जिनके खेत में अभी तक पानी नहीं पहुँच पाए हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्रवासी जहाँ आज तक सड़कें नहीं बन पाई है, ऐसे गाँव जहाँ आज तक पानी नहीं पहुँच पाई है, बिजली नहीं पहुँच पाई है और आज शिक्षा का स्तर देखो तो क्षेत्र में काफ़ी बुरा हाल है। रही बात कॉलेज की बात है तो इस क्षेत्र में ना एक तकनीकी महाविद्यालय है, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना ITI कॉलेज है, पूरे बेरोजगार लोग यहाँ, रोजगार का कोई अवसर नहीं है। इस प्रकार से पूरे क्षेत्र के लोग आज सारे लोग जन समूह के रूप में एक बड़ा एक समूह उमड़ पड़ा है और अपने बच्चे को, अपने बेटा को यहाँ पर पाकर और इस बार पूरे ठान चुके हैं कि इस बार उसके बेटा को। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र मासा जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से अब छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव होना है उसको लेकर जो दिग्गज हैं वो मैदान में उतर चुके हैं और किस तरीके से जनता को साधने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के लिए दिग्गजों ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है, घर घर जाकर कार्यकर्ता जनता से वोट मांग रहे हैं। दूसरे चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ में होना है, जिसके लिए कोई कसर ना रह जाए इसके लिए पूरी ताकत यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो झोंक रहे हैं। इसी के साथ जनता से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए और जो पार्टियाँ हैं पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। तो अब घर घर जाकर वोट कार्यकर्ता यहां पर जनता से मांग रहे हैं। पहले चरण का जो चुनाव है, मतदान है, वो हो चुका है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए दिग्गज पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं और घर घर जाकर कार्यकर्ताओं के से वोट भी मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। जिस तरीके से आप यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है, जिस तरीके से एक तरफ BJP है, एक तरफ कांग्रेस है और जनता को यहाँ पर साधने की कोशिश पार्टियाँ कर रही हैं, यही कोशिश है BJP की कि वो सत्ता में बनी रहे। तो वहीं कांग्रेस पूरी मशक्कत के साथ यहाँ पर ये चाहती है कि अब कांग्रेस सत्ता में आए, जिसके लिए जनता से वादे भी किए जा रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि जनता किसे चुनती है, जनता पर किसके दाव वादों का असर होता है, क्योंकि अब मुकाबला यहां पर टक्कर का होगा। एक तरफ BJP अपने दिग्गजों को मैदान में उतार रही है, अपना जो 5 साल में काम किया है वो जनता को बता रही है, विकास किस तरीके से राज्य का किया वो बता रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है यहाँ पर साधने की पूरी जनता को कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि BJP ने जो भी वादे किए वो पूरे नहीं किए, चाहे वो नौकरी देने का वादा हो या फिर बात राफेल को लेकर हो, तमाम वादों पर कांग्रेस BJP को घेर रही है।